मैम वुमेन्स अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सीजन 2 चालू है। आज आप आज आपको अवार्ड मिलने वाला है आपके कैरेक्टर को लेके, एंड दैट इज द फाइनेस्ट कैरेक्टर आप कर रहे हैं शो में, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आप ऐसा सोच रहे हो एंड दैट मींस कि मेरी परफॉर्मेंस से काफ़ी लोगों को कुछ फील हुआ है, एंड मेरा तो वही पर्पज़ होता है कि मैं इतना अच्छा एटलीस्ट परफॉर्म करता हूँ कि लोग कनेक्ट हो। तो चीनी को अगर लोग जानते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, और इस आउटफिट में क्या कहना चाहिए? आउटफिट में सॉरी आई मीन सबसे डिसाइडेड है कि मैं यही पहनूंगी, और मैंने यही सेव करके रखा था बिकॉज़ आई वांटेड इट टू बी एलिगेंट बट ब्लैक कलर ही क्यों? ये है एक्चुअली बॉटल ग्रीन कलर है, और ये कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, तो ये मैंने स्पेसिफिकली सेपरेट करके रखा। ओके मैम, शो के बारे में बात किए जाए तो शो में बैक टू बैक न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? एंड यू आर डूइंग आल्सो फैंटास्टिक, आपने मतलब जब से सेकंड जो फर्स्ट लीप हुआ उसके बाद से आपने शो को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? लीप के बाद हम लोग भी बहुत स्केप्टिकल थे क्या होगा कैसे होगा, इतने सारे चेंजेस हैं लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बट ऑडियंस ने हमारा इतना साथ दिया है कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस नीचे नहीं गया, एंड वी कुड वापस से हम उसको उस लेवल तक पहुंचा पाए कि हम लोग भी उनके लेगेसी को कंटिन्यू रख सकें, एंड चीनी के कैरेक्टर को ग्रे शेड, नेगेटिव शेड, पॉजिटिव शेड, हर शेड में इतना पसंद किया गया, तो ये इतने बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।